हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को रिकंटिन्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाने वाला हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि नवंबर में दोबारा MPPSC आ रही है और आप लोगों ने इस बार MPPSC का पेपर देख के जान ही लिया होगा कि UPSC और MPPSC में अब ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। तो आप लोगों को पढ़ाई पूरी तल्लीनता से करना है और एक एक छोटे से छोटे फैक्ट के ऊपर में फोकस करना है। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो तैयार किया है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप उन पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके राइट आंसर पर टिक करने पाओगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी, इसका मतलब होता है इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी वह भारतीय रक्षा एजेंसी या संस्था है जो भारत में विभिन्न रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए कार्य करती है। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी एजेंसी की स्थापना कब की गई। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, 1958 आपको सन याद रखना है, 1958 यानी कि 1958 में भारत में रक्षा अनुसंधान और विकास के लिए रक्षा अनुसंधान संगठन की स्थापना 1958 में की गई। कब की गई? 1958 में। वन लाइन फैक्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत में रक्षा अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई। तो भारत में रक्षा अनुसंधान संगठन की स्थापना 1958 में की गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस समय जो है, इस संगठन की जब स्थापना की गई थी तो कुछ अन्य संगठन भी इसमें मिले हुए थे और 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान संगठन का विकास किया गया। तो 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान बना, यानी कि 1958 में जो रक्षा अनुसंधान की स्थापना हुई थी भारत में, उसमें अन्य संगठन भी इन्वॉल्व थे, लेकिन बाद में जब 1980 में उसी रक्षा अनुसंधान का विलय करके रक्षा स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग बनाया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो बात करेंगे हम DRDO की। DRDO का नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म भी MPPSC में पूछा जा सकता है। इसका पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यह जो है, इसका जो विकास है भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए किया गया था और यह भारत में काम करने वाला एक अनुसांगिक इकाई का संस्थान है जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है दोस्तों। MPPSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि DRDO का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में है, लेकिन इसकी सब ब्रांच हैदराबाद में भी है दोस्तों। ये बात आपको पता नहीं होगी, अगर आप लोगों ने परमाणु मूवी देखे होते तो आपको ये बात पता होती। परमाणु मूवी में आपने देखा होगा जॉन इब्राहिम जब परमाणु परीक्षण करता है तो उसमें DRDO का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख जो होते हैं, DRDO के जो मुख्य महानिदेशक होते हैं, वो रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1958 में की गई है। इसके अलावा DRDO का मुख्यालय जो है दिल्ली के DRDO भवन में है। यह एक ऐसा DRDO जो है दोस्तों, इसका आदर्श वाक्य भी MPPSC में पूछा जा सकता है। कभी आपका दिल्ली जाना हुआ या दिल्ली कई लोग गए होंगे, मैं भी गया हूँ, तो दोस्तों दिल्ली में जब आप DRDO के संगठन में जाओगे, DRDO के संस्थान में जाओगे, तो वहां पर आप देखोगे कि DRDO के मुख्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, MPPSC में पूछा जा सकता है। तो DRDO के मुख्यालय में जो आदर्श वाक्य है वो लिखा हुआ है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम। तो दोस्तों DRDO का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम, क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है दोस्तों, क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है दोस्तों। तो DRDO का जो है
आदर्श वाक्य क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम है। और इसके अलावा मैं आपको डीआरडीओ का एक महत्वपूर्ण फैक्ट बता दूं दोस्तों, डीआरडीओ में 30,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं, जिसमें 5,000 से अधिक तो डीआरडीओ में साइंटिस्ट ही हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मैं आपको बता दूं भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के बारे में आपको बताऊंगा, यानी कि इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के बारे में मैं बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका कि पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुअल आब्दीन अब्दुल कलाम था, जो कि हमारे देश के महान राष्ट्रपति हुए, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। इनके पिता मल्लाह थे और इनके बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए थे। इन्होंने नाव चलाकर अपनी पढ़ाई की और एरोनॉटिक्स से इंजीनियरिंग करने के बाद भारत में मिसाइल डेवलपमेंट के कार्यों पर बल दिया और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। और इनकी मृत्यु आसाम में एक कार्यक्रम के दौरान हृदयघात के कारण हुई थी। तो दोस्तों भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम यानी कि इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के जो जनक हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उन्होंने IGMDP की नींव रखी थी। IGMDP काय की नींव रखी थी दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने IGMDP की नींव रखी थी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि IGMDP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका पूरा नाम इंटेग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। इसकी नींव रखी थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व जो है वो DRDO को सौंपा गया था। इसके बाद में हम भारत की प्रमुख मिसाइलों के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो भारत की जो पहली महत्वपूर्ण मिसाइल थी उसका नाम था पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली कम क्षमता की बैलिस्टिक मिसाइल थी। प्रक्षेपास्त्र का मतलब मिसाइल होता है दोस्तों, और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का जो प्रथम परीक्षण है वो चौंदीपुर के केंद्र से किया गया था। इसकी न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी और अधिकतम मारक क्षमता जो थी वो 250 किलोमीटर थी, यानी कि 250 किलोमीटर। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं नेक्स्ट मिसाइल का नाम है त्रिशूल। तो पृथ्वी जो है वो कम क्षमता वाली थी, इसके बाद में त्रिशूल का विकास किया गया। यह कम क्षमता की जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा त्रिशूल जो होता है, जो हथियार होता है, जब इसे त्रिशूल से कोई मारता है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो वो जमीन से ऊपर फेंक कर मारता है, यानी कि जमीन से हवा में मार करने वाला जो मिसाइल है उसका नाम है त्रिशूल। इसकी मारक क्षमता जो होती है दोस्तों, ये 500 मीटर से 9 किलोमीटर होती है। यह Mach 2 की गति को निशाने को भेद सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे आकाश मिसाइल की। आकाश मिसाइल जो है दोस्तों, आकाश का मतलब ये कि हवा में, जमीन से हवा में, तो हवा से हवा में तो मार नहीं सकते, यानी कि जमीन से ही मारेंगे। तो जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल जो है बहुलक्ष्य मिसाइल है, यानी कि एक साथ 3-4 टारगेट को भेजने वाली मिसाइल का नाम है आकाश। इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश एक ऐसी भारतीय मिसाइल है दोस्तों जो विभिन्न तकनीकों के साथ में काम करती है और इसकी तुलना जो है अमेरिकी हथियारों से की जाती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों महत्वपूर्ण मिसाइल है अग्नि। अग्नि के ऊपर में बहुत से क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अग्नि मिसाइल जो है ये इसके कितने भागों में, कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो अग्नि मिसाइल को दोस्तों मुख्य रूप से 5 श्रेणियों में बांटा गया है, अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि फाइव। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अग्नि फर्स्ट जो है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि फर्स्ट जो है ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है और सारी जो है मध्यम दूरी की मिसाइलें हैं। तो अग्नि फर्स्ट की जो क्षमता है दोस्तों कम है। इसके अलावा अग्नि थर्ड की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है तथा इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। और पनडुब्बी से छोड़े जा सकने वाली अग्नि मिसाइल का भी इस समय में क्या किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों हथियार के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और इजराइल ने बहुत सारे परमाणु हथियार बना चुका है। तो परमाणु की हथ 3 और इजराइल की जेरिको 2 की श्रेणी में अग्नि थर्ड को रखा जाता है। अग्नि थर्ड जो है दोस्तों ये परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अग्नि फोर जो है यह 3500 किलोमीटर तक
की मारक क्षमता को रखती है। इसके अलावा अग्नि 5 जो है इसे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, यानी कि अंतर महाद्वीपीय, यानी कि हम भारत से यूरोप महाद्वीप में या अफ्रीका महाद्वीप में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की सहायता से आक्रमण कर सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल का मतलब ही होता है कि एक महाद्वीप से मिसाइल को छोड़ेंगे तो दूसरे महाद्वीप में गिरेगी दोस्तों। तो भारत जो है चीन, जापान, फ्रांस, भारत जो है अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम के बाद एक ऐसा राष्ट्र बन गया है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर चुका है, यानी कि भारत के पास भी ऐसी मिसाइल है कि दूसरे महाद्वीप में हमला कर सकता है एशिया को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की क्षमता जो होती है वो 5000 किलोमीटर से ज्यादा होती है। ये बहुत ही खतरनाक मिसाइल होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि भारत जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के संगठन यानी कि ICBM की श्रेणी में शामिल हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे अग्नि 5 जो है ये सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। इसके अलावा दोस्तों नाग जो है यह एक टैंक रोधी बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएगा कि दागो और भूलजाओ किस मिसाइल को कहा जाता है, तो दागो और भूलजाओ नाग मिसाइल को कहा जाता है। इसे एक बार टारगेट बना दिया जाता है और ऑन बटन कर दिया जाता है, वो जो तोप का गोला होता है, इसे एंटी टैंक मिसाइल कहा जाता है। एक बार निशाने पर भेज दिया जाता है, वो टैंक जो है मिसाइल छोड़ते रहता है। तो दोस्तों इसका सफल प्रशिक्षण नवंबर 1990 में किया गया था। इसे दागो और भूलजाओ प्रक्षेपास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसे एक बार दाग देने के बाद दोबारा निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑटोमेटिक दागते रहता है। एक बार डाल दो गोली निकलती रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थानों के ऊपर में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ऊपर। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, MBBSC में सीधे क्वेश्चन आ सकता है। तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। कहाँ पर है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु का नाम बदलकर बेंगलुरु कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल। तो बेल का मुख्यालय भी बेंगलोर में है दोस्तों, कर्नाटक की राजधानी। इसकी स्थापना 1954 में की गई है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका भी मुख्यालय बेंगलोर में है दोस्तों, इसकी स्थापना 1964 में की गई है। मंझगांव डॉक लिमिटेड, इसकी स्थापना मुंबई में की गई है, इसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके अलावा भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना भी वास्को डिगामा द्वीप पर की गई है, इसका मुख्यालय वास्को डिगामा द्वीप पर है और इसकी स्थापना भी 1960 में की गई है। इसके अलावा दोस्तों भारत डायनामिक्स लिमिटेड की स्थापना हैदराबाद में की गई है, इसकी स्थापना 1970 में की गई है। इसके अलावा मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना भी हैदराबाद में की गई है, इसकी स्थापना 1973 में की गई है। इसके अलावा गार्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड, इसका मुख्यालय जो है दोस्तों कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1934 में की गई। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बेंगलोर भारत के सूचना प्रौद्योगिकी निर्यातों का अग्रणी स्रोत रहा है, इस कारण इसे भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो दोस्तों भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है, मध्य प्रदेश की सिलिकॉन वैली इंदौर को कहा जाता है और पूरे विश्व की सिलिकॉन वैली अमेरिका को कहा जाता है। तो भारत के प्रमुख तकनीकी संगठन इसरो, इंफोसिस और विप्रो का मुख्यालय भी बेंगलोर में है और बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक्स नगर भी कहा जाता है। तो इन्हीं सभी जानकारियों के साथ मैं अगले वीडियो में आपको इंफॉर्मेशन यानी कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए पढ़ते रहे और हमारे वीडियो को देखते रहे, और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, क्योंकि बेल आइकन को दबाओगे नहीं तो अगले वीडियो की जानकारी मिलेगी कैसे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।